दुनिया में अधिकतर लोगों का कहना होता है कि उनका कंप्यूटर स्लो चल रहा है। कंप्यूटर की स्पीड कैसे बढ़ाएं? हर कोई इस समस्या से परेशान है। इस समस्या के समाधान से पहले हमें इसके कारण मालूम होना चाहिए। आखिर कंप्यूटर की स्लो स्पीड का कारण क्या है? दरअसल कंप्यूटर की स्पीड का स्लो कारण है ढेर सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना। हम कंप्यूटर की रैम की क्षमता के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो होने लगता है। तो इस समस्या का समाधान है कि हम रैम को बढ़वा लें। कंप्यूटर में रैम बढ़ाने का आसान तरीका है कि हम उसकी रैम को बदलवा कर ज़्यादा GB की रैम डलवा लें। जैसे आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम है, तो आप उसको बढ़वा कर 4 GB रैम लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा कंप्यूटर हार्डवेयर की शॉप पर। आप चाहे तो अपने कंप्यूटर की रैम को आप घर बैठे ही बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अन्य रैम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ पेन ड्राइव की मदद से अपने रैम को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रोसेस है जो बहुत आसान है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राशिद हुसैन और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी राशिद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जो आपके कंप्यूटर में रन तो करते हैं मगर अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते। तो इस प्रोसेस को करने के बाद में आपका वो सॉफ्टवेयर आराम से बहुत ही इजीली स्मूथली काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर रन ही नहीं हो रहे हो और आप चाहते हो कि ये प्रोसेस से वो रन होने लगे। नहीं, अगर आपके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, प्ले हो रहे हैं, चल रहे हैं, जैसे कोई गेम है, अगर वो आपके कंप्यूटर में प्ले हो रहा है और लेग होने लगता है, तो इस ट्रिक से वो लेग होना बंद हो जाएगा। शर्त यही है कि आपके कंप्यूटर में वो गेम चलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर को ओपन करेंगे, उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं मैंने अपनी USB लगा रखी है जो 4 GB से ज़्यादा है। तो इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में इसको प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर रेडी बूस्ट का ऑप्शन है, तो उसको यहाँ क्लिक कर देंगे। और अपनी USB को हम सिर्फ 4 GB तक ही यूज़ कर सकते हैं। एज ए रैम इसको हम 4 GB तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये ऑटोमेटिक 4 GB सिलेक्ट हो चुका है। तो अगर आप इसको कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो। तो यहाँ इसको क्लिक करेंगे यूज़ दिस डिवाइस पर, तो ये एज ए रैम यूज़ हो जाएगी और इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद में इसको ओके करेंगे तो ये यूज़ हो जाएगा। तो चलिए, इसको आपके पास USB सिर्फ 4 GB की है और आपको उसको एज ए रैम 2 GB या 1 GB आपको यूज़ करनी है, तो आप इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको यहाँ कम ज़्यादा कर लेंगे। अगर आपके पास 4 GB है तो उसको 100 या 150 MB कम करके इसको अप्लाई करके और ओके कर देना। ये थोड़ा टाइम लेगा, इसके बाद में यहाँ ओके कर देंगे। अभी इसको हम ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 4 GB का स्पेस इसने ले लिया है। तो अब ये एज ए रैम यूज़ होने के लिए रेडी है। उसको ओपन करेंगे तो यहाँ देखेंगे रेडी बूस्ट की आइकन, यहाँ रेडी बूस्ट का फाइल यहाँ बन चुकी है। और ये दो जो फाइल हैं, आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा, ये USB पर जो पिक्चर लगी हुई है, USB की आइकन पर जो पिक्चर लगी हुई है, ये उसकी फाइल हैं। तो इसको बैक कर देते हैं हम। अगर आपको फिर से अपनी USB नॉर्मल यूज़ करनी है, उसको एज ए रैम यूज़ नहीं करना है, तो उसको उसके लिए आपको राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ प्रॉपर्टीज़ पर जाकर रेडी बूस्ट पर क्लिक करेंगे और उसको डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। दोस्तों, इसको करने के बाद में जब आप इसको एज ए रैम इसको यूज़ करेंगे, तो एक बार अपना कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करना होगा। तो आप इसको रिस्टार्ट कर ओके, फिर से इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और रेडी बूस्ट पर क्लिक कर देंगे। अभी मान लो यहाँ आपके पास USB 4 GB USB है और आपके उसमें डाटा स्टोरेज किया हुआ है 1 GB, 2 GB, 3 GB, जितने भी आपने उसमें डाटा सेव किया हुआ है, और आपको जो बाकी का स्पेस है उसको एज रैम यूज़ करना है। तो यहाँ जो सेंटर में दिख रहा है डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपके USB का जो फ्री जो डाटा होगा, जो बाकी का जो डाटा होगा, ये उसको एज ए रैम ऑटोमेटिकली यूज़ कर लेगा। उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ अप्लाई करके और इसको ओके कर देना है।
तो जो इससे क्या होगा, जो आपका जो डाटा है, जो बाइक की जो डाटा है उसमें, वो एज ए नेम इसको यूज़ कर लेगा, और आपके पास ये फ्री, बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट यूज डिवाइस पे क्लिक करके और अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से एज ए रैम USB यूज़ हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।